पुलिस और कैमरों को देखते ही इस शख्स ने दौड़ लगा दी। पकड़ लो, कहां भागे गए? इसको पकड़ के लाएंगे इधर से। ये देखें जी, भागना शुरू हुआ है यहां से। ये देखें जी, यहां पर ये इन्होंने पानी की लाइनें लगाई हुई हैं और यहां से पानी चोरी करके बेचा जा रहा है, लोगों को मिल रहा है, नहीं मिल रहा। मगर यहां सलाम पेश करूंगा पुलिस के उस नौजवान को जिसने शख्स को ना भागने दिया। काफी देर पीछा करने के बाद इसे पकड़ लिया। हटाओ ये लाइन आ कहां से रही है, दिखाओ जरा मुझे। हाँ, कुएं का लाइन है। गिरफ्तार शख्स ने इस जगह का पता बताया जहां से पानी आ रहा था। काफी देर बाद जब दरवाजा खुला तो पुलिस को देखते ही मौजूद शख्स ने ड्रामा शुरू कर दिया। अंदर बैठे वो तो अंदर बैठे हुए, खोल क्यों नहीं रहते इतनी देर से? खोल क्यों नहीं रहते? यहाँ से लाइन ली थी आपने? भाई आप इसकी लाइन दिखाओ कहाँ डाली हुई है। ये देखें जी, ये पूरा इन्होंने यहाँ से लाइन डाली हुई है, पूरी वाटर बोर्ड की लाइन चोरी। मालूम करने पर पता चला कि वाटर बोर्ड की लाइन में गैर कानूनी कनेक्शन किया गया है जो एक कुएं के नाम पर आवाम को फरोग कर रहे हैं। तो बेटा ये लेकर आया है ना, ये लेकर आया है। एक मिनट आराम से बात करें। सुने, ये हमें लेकर आया है कि इस घर के अंदर हमने ये पूरा लगाया हुआ है। मेन पानी की लाइनों में चोरी हो रही होती है, इस तरह ये लगा के पानी भी देखे यहाँ पे बिक रहा होता है। अब मसला ये होता है कि कोई कहेगा यार हम क्या करें, मजबूरी में ही हमें पानी लेना पड़ता है। बेटा कितने का देते हैं ये? 10 रुपये का। ये देखें 10-10 रुपये के लिहाज मीठा पानी है। इसके बाद एक और जगह का हमने रुख किया। टैंक बनाए हुए यहाँ पे, यहाँ से लाइनें इन्होंने ली हुई है, लाइन चोरी की हुई होती है, यहाँ से पानी इनका अलग अलग जगहों पे आके सेफ करके पूरे मीठे पानी की आवाम को मिले ना मिले, पानी की चोरी यहाँ पर खुलेआम इसी तरह हो रही होती है। थाने लाने के बाद इन लोगों से मजीद तफ्तीश की गई। ये जो पानी यहाँ से निकाल के बेच रहे हो, किसकी परमिशन से बेच रहे हो? ये कुएं का पानी है। अच्छा, कुएं का पानी है। और सबसे ज्यादा तकलीफ देह बात यह थी कि 24 घंटे ये पानी तेज रफ्तार के साथ नाले में जाया किया जा रहा था। 24 घंटे कुएं का पानी गटर में जा रहा है, उसके बाद अभी जाऊंगा तो वो पाइप से पानी बह रहा होगा। नहीं, कुएं का पानी भरते हम लोग सही से कुएं से ही है। अच्छा, पूरे लोगों के पास पीने को है नहीं है, तुम्हारे पास देने को है पानी है? घर तुम्हारा है वो? बिल्कुल हमारा है। उसमें जो इतना बड़ा एक गहरा कुआं हुआ भाई, किसका? ये अपना है। अपना तुम्हारा अपना कुआं है? जी, अपना कुआं। कुएं से बाहर पानी जा रहा है? जा रहा है। तो किसकी परमिशन से जा रहा है? ये तो किसने अलाउ किया? ये तो काफी सालों से चल रहा है। अलाउ किसने किया? लेटर है कोई वाटर बोर्ड का, किसी की परमिशन है? ये तो जब बातें खुलेगी तो 1947 जब पाकिस्तान कायम नहीं होता तब सो रहा है। सर मुझे बातें खुलेगी जब बड़े आएंगे बैठेंगे कि किसके परमिशन होते हैं। मेरे अभी मुझे तो इस बारे में कुछ, मेरा घर है लेकिन मैं घर का छोटा फर्द हूँ, मुझे ये सारी जो चीजें नहीं पता। वाटर बोर्ड के आला हुक्काम को सूरत हाल से आगाह किया गया, जिसके बाद पुलिस ने वाटर बोर्ड के अमले की मुद्दियत में मुलजिमान पर मुकदमा